हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। फोन उठा लो पायल, जो हुआ उसमें ना मेरी गलती थी ना तुम्हारी। ऐसे में हम दोनों क्यों एक दूसरे को इसकी सजा दे रहे हैं? ऐसे बेरुखी से जिंदगी नहीं संवरती। जिंदगी तो वो है जो हम एक दूसरे के साथ बिताते हैं, वो हंसी खुशी के पल। प्लीज पायल, प्लीज फोन उठा लो, बहुत अकेला पड़ गया हूं मैं, जरूरत है मुझे तुम्हारी। सुनील, राजुल, कृति कहाँ है? मालूम नहीं अंकल, कृति तो हमारे साथ खेलने आई नहीं। लेकिन कृति ने बोला था कि जब डॉल लेकर आएगी वापस तो तुम लोगों के साथ ही खेलेगी। सुनील, राजुल, डॉल लेकर कृति कहाँ गई? तुम लोगों ने देखा क्या? देवेन, बच्चे मना कर रहे हैं ना, बोल तो रहे हैं कि कृति डॉल लेके आई नहीं। लेकिन कृति तो बोलकर गई थी कि डॉल लेकर वापस आएगी तो तुम लोगों के साथ ही खेलेगी। पर कृति वापस आई नहीं आंटी, आप किसी से भी पूछ लो। किशोर साहब, हे प्रशांत, क्या हुआ? कृति मिली क्या? साहब, इधर बाजू में जो बिल्डिंग बंद पड़ी है उसमें एक छोटी सी बच्ची की डेड बॉडी मिली है। क्यों? ये देखिए साहब, वहाँ के वॉचमैन ने मोबाइल पे फोटो भेजा है, ये अपनी कृति जैसी लग रही है। मैडम एक मिनट, मैडम, भाई मेरी बेटी खो गई है। मेरी 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 बच्ची है। सर, मैं देवेंद्र चिटनिस, कृति किशोर और पूजा साटम की बेटी है। हम लोग कृति को सोसाइटी में ढूंढ रहे थे सर, फिर हमारे वॉचमैन ने बताया कि पहले हम क्राइम सीन से सब इकट्ठा कर ले, फिर सबसे बात करेंगे। बिल्डिंग का काम काफी टाइम से बंद है साहब, मैं यहीं झोपड़े में रहता हूँ साहब। सेठ ने बोला था कि अंधेरा हो जाए तो लाइट चालू कर देना, रोज की तरह सर मैंने आज भी लाइट चालू किया तो देखा वहाँ वो बच्ची पड़ी है। साहब, ये लड़की जब अंदर है तब तो कहा था? साहब, मैं चाय नाश्ता करने गया था, बस 10 मिनट के लिए गया था साहब। फिर चाय नाश्ता करते करते कोई लड़की को अंदर लेके आया, यहाँ पर ये सब हो गया और तुझे पता भी नहीं चला? ये सब 10 मिनट में कैसे हो गया बंसी? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा साहब, मैं कसम से बोल रहा हूँ, मैं बस 10 मिनट के लिए यहाँ से गया था। और कौन है यहाँ पे? और कोई नहीं सब, मैं अकेला ही हूँ। सेठ को कितनी बार बोला कि यहाँ 2 लोगों की जरूरत है, अगर एक आदमी चाय पानी के लिए गया तो दूसरा आदमी कम से कम यहाँ रहेगा ना, पर वो सुने नहीं साहब। सब मैं सच बोल रहा हूँ साहब। बात कीजिए हमसे मैम। मैम, 7 साल की कृति साटम उस शाम पड़ोस की एक दुकान से डॉल खरीदने के लिए अपनी सोसाइटी से बाहर निकली थी। कोई और दिन होता तो कृति इस वक्त अपने दोस्तों के साथ सोसाइटी कंपाउंड में खेल रही होती, पर आज क्या हुआ था? क्या कृति कंपाउंड में वापस आई थी? क्या कोई उसे सोसाइटी के अंदर से ही लेकर गया था और फिर उस पर यह हैवानियत की थी? गला दबाकर मारा गया और शायद बच्ची ने स्ट्रगल भी नहीं किया। इसके नाखून देख रहे हैं, कुछ नहीं मिला हमें इनमें से। क्या किसी तरह का कोई उल्लंघन हुआ था? जी इंस्पेक्टर। सेवन मिला? जी नहीं, अक्यूज ने शायद कॉन्डोम यूज किया था, शायद नहीं, 100% उसने कॉन्डोम यूज किया था। अच्छा,
के बाहर भी छान मारो, हो सकता है जाते वक्त बाहर फेंक गया। भैया कहाँ है? पता नहीं पापा, कल बहुत गुस्से में थे, मुझे भी डांटा, फिर कहीं चले गए। कृति, कृति, किशोर जी, क्या आप बता सकते हैं कि क्या हुआ था? कृति अकेले कहां गई थी? देवेंद्र जी, बिना आप लोगों की मदद के बहुत मुश्किल होगी, किसी को तो हमें बताना होगा कि क्या हुआ था, क्योंकि कृति के साथ रेप हुआ है। लता, मैं बिजी हूं, बाद में बात करता हूं। आप फोन क्यों नहीं उठा रहे? मैंने बताया तो सही, मैं बिजी हूँ, इमरजेंसी है। और यहाँ नहीं है, शौर्य वेट कर रहा है आपका, कब से सब आ गए हैं, केक काटना है। तो उसे समझाओ मुझे लेट होगा, केक काट ले। सुरेश, आज बर्थडे है हमारे बेटे का। तुम समझते क्यों नहीं लता, यहाँ पर 7 साल की बच्ची का रेप और मर्डर हुआ है। तो पूरे शहर में एक आप ही पुलिस वाले हैं क्या? आपको ही हर केस पकड़ा दिया। रखो फोन, बाद में बात करता हूँ। सर, हमने क्राइम सीन और बिल्डिंग के आसपास का भी पूरा इलाका चेक किया, कॉन्डम कहीं नहीं मिला। नहीं मिला तो फिर से ढूंढो। और बंसी, उस सिक्योरिटी गार्ड बंसी को उठाओ, उसकी हड्डी तोड़ो, पूछो उसको ये जब कांड हुआ तब साला कर क्या रहा था। कॉन्डम नहीं मिला, नहीं मिला तो रेप और मर्डर करने वाला अपने साथ में लेके गया, ढूंढो। देखिए किशोर जी, आपकी बच्ची के साथ हैवानियत हुई है, ये सच। मैं ये भी समझ सकता हूँ कि आपकी बच्ची की मौत से आप सबको सदमा पहुंचा, लेकिन आप में से किसी ना किसी को तो हमें बताना होगा ना कि क्या हुआ था। कृति कहाँ गई थी, किसके साथ गई थी, वापस क्यों नहीं आई? जिद मत कर कृति, पापा ने बोला है ना सैटरडे को मॉल ले जाएंगे, तब डॉल दिला देंगे। हाँ, 3 सैटरडे से बोल रहे हैं वो, अब तो मेरी छुट्टियां भी खत्म हो गई। बिजी थे ना बेटा पापा, इस सैटरडे को पक्का ले जाएंगे बस। झूठ, फिर बिजी हो जाएंगे वो, मैं सोनिया जनरल से उसे ले लूं। मामा, मुझे जैसी चाहिए उस दुकान में है वैसी डॉल। कृति, सैटरडे का वेट कर लूं ना बेटा, सैटरडे पापा मॉल ले जाएंगे। अब मुझे नहीं जाना उनके साथ, और मुझे मॉल वाली डॉल भी नहीं लेनी, मुझे आज ही चाहिए, यहाँ मिल रही है ना मम्मा, सिर्फ 35 रुपीज की है। कृति, मेरे पास ना बिल्कुल टाइम नहीं अभी, मैं ना तेरे साथ नहीं चल सकती आज। आप मत आ, मैं खुद चली जाऊंगी मम्मा। अच्छा सुन, कल स्कूल से लौटते वक्त ना तेरी डॉल दिला दूंगी बस। नहीं, मुझे आज ही चाहिए मम्मा, दुकान पास में ही तो है, मैं खुद ले लूंगी ना। दे दो ना मम्मा, प्लीज प्लीज दे दो ना मम्मा, प्लीज दे दो ना मम्मा। तू मानती नहीं है ना कभी, ये ले। अच्छा ये कितने है? 50 रुपीज। और शॉप वाले अंकल कितना वापस करेंगे? 15 रुपीज। करेक्ट, अब 15 रुपए और वो डॉल संभाल के लेकर आना, ठीक है? ठीक है मम्मा, मैं डॉल लेके सुनील और राजू के साथ कंपाउंड में खेलूंगी, उसके बाद ही आऊंगी। हाँ बेटा ठीक है, संभाल के जाना। और हाँ, ठीक है, ज्यादा लेट मत करना। ठीक है मम्मा। रो, कुछ खाने के लिए है राजेश? बहुत भूख लगी है यार। आजा, क्या खाएगा? मैं खाने को लेके आता हूँ कुछ देर ले। पानी लेके आता हूँ। आज यहाँ रुक जाऊँ राजेश, चलेगा तुझे? सिर्फ तूने फिर से झगड़ा किया घर वालों के साथ। ठीक है, सो जाइए। मैंने कृति को सिर्फ जाते हुए देखा था। और वापस आते हुए? वापस आते हुए देखा कि नहीं? या हमारी नींद हराम हो गई है और तू सो रहा है? आप कल रात से बता रहा हूं, मैंने वापस आते हुए नहीं देखा। आप सब एक ही बात कितनी बार पूछेंगे? जब तक तू सच नहीं बता देता तब तक। ध्यान से देख, ये सोसाइटी का गेट, यहां से ये 5 मिनट की दूरी पर है सोनिया स्टोर। 5:30 बजे कृति घर से निकली थी, वापस आने में ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट जोड़ ले।
5:45 तक वो वापस आ जानी चाहिए थी। अब बता, आई थी कि नहीं? मैं 100 बार बोल चुका हूँ, मैंने उसे वापस आते हुए नहीं देखा। तो किसको देखा? कौन था उसके साथ? किसी को तो देखा होगा जिसके साथ कृति गई थी। ये देख, यहाँ से सोसाइटी के लेफ्ट में 5 मिनट की दूरी पर अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, जहाँ से मैं बच्ची की लाश मिली। जो भी था तेरे सामने से कृति को लेकर गया था, तूने देखा कैसे नहीं? 100 बार बोल चुका हूँ साहब, मैंने किसी को नहीं देखा साहब। हाँ मैडम, हमने भी सुना, बच्ची के साथ जो कुछ भी हुआ सुन के बहुत बुरा लगा। हम यहाँ सांत्वना बटोरने नहीं आए घनश्याम जी, ये बताइए दुकान से बच्ची किसी के साथ गई थी? बच्ची तो अकेले आई थी और अकेले ही गई, कोई नहीं था उसके साथ। अंकल वो वाली डॉल दीजिए ना। ये लो बेटी, ये लो। अंकल ये 50 रुपीस है और 15 रुपीस वापस दो। अरे वाह बेटा, तुम तो पूरा गणित करके आई हो। हाँ अंकल, 50 - 35 = 15 रुपीस। तो ये लो पूरे 15 रुपए। मैंने उसे एक 10 का नोट और एक 5 का सिक्का वापस दिया था। बच्ची डॉल लेकर वापस चली गई। कहाँ गई थी? अपनी सोसाइटी में? नहीं मैडम, वो मैं नहीं देख पाया क्योंकि कस्टमर थे ना, उसे मैं बिजी हो गया था। अच्छा, सोसाइटी तक नहीं देखा होगा लेकिन रास्ते में जाते वक्त उस पर नजर तो पड़ी होगी, कोई था उसके साथ? बोला ना मैडम, नहीं देख पाया मैं। यहाँ किसी दुकान में CCTV है? मेरे यहाँ तो नहीं मैडम, किसी और के यहाँ तो मुझे नहीं मालूम। आसपास कोई ATM? हाँ, आगे जाकर राइट साइड में एक ATM है, लेकिन वो सोसाइटी की तरफ तो नहीं है। नहीं देखा था साहब, कितनी बार बोलूं, सब मैं अकेले यहाँ पर ड्यूटी करता हूँ, मैं क्या क्या करूँ, क्या क्या देखूं? एक बच्ची को तो देख नहीं पाया तू, जरा बता वहां बैठ के कौन से तीर मारते रहता है तू? क्या क्या नहीं करवाते हैं वो लोग मुझसे, पंप चालू करना, सोसाइटी के बच्चों का झगड़ा छुड़वाना, और उस झगड़े की भी जवाबदारी मेरी होती थी। लोग मेरे से बोलते थे कि तू ड्यूटी पर था तो झगड़ा कैसे हो गया? साहब ऐसे में अगर कोई लड़की बाहर चली जाती है और ये सब हो जाता है तो उसका भी जिम्मेदार मैं ही, और ऊपर से बीवी का अलग चिल्लाना, कहती पूरे दिन क्या करते रहते हो, घर का काम क्यों नहीं करते? उस बेचारी बच्ची के साथ इतना कुछ हो गया है, चिल्ला ही तक नहीं, आजू बाजू में किसी ने उसकी आवाज तक नहीं सुनी। प्रशांत ये बता, सोसाइटी में कोई है जो ऐसा कर सकता है? नहीं मालूम साहब। कृति के पापा किशोर का किसी से कोई लफड़ा? किशोर साहब के झगड़े के बारे में किसी और से सुनने की क्या जरूरत है? सोसाइटी में कोई भी बता देगा कि सबसे ज्यादा कौन चिल्लाता है। ए पीटर, ये पानी क्या तेरे बाप का है क्या? किशोर साहब, फादर है, मैं जाओ ठीक है? आवाज नीचे रख, और आखिरी बार बोल रहा हूँ तेरे को, इतना पानी बर्बाद नहीं कर सकता, समझे? तू यहाँ पर बैठ के सोते रहते क्या रे प्रशांत? और तू डरता क्या उस पीटर से? वो एक एक गाड़ी पर 4-4 बाल्टी पानी डालता है, तू उसको बोलता क्यों नहीं कुछ? सब आप लोगों ने तो रखा हुआ है उसे गाड़ी धोने के लिए, अब मैं क्या बोलूं? तू किस चीज का बगार ले रहा है? हां, यहां पर काम करने वाला सब कुछ बर्बाद करके जाएगा, तू उसको बोलेगा नहीं कुछ? क्या है भाई, सोसाइटी को कचरा पट्टी समझ के रखा है क्या? ये पिज्जा का पैकेट यहां पर क्यों फेंका? सॉरी अंकल, गलती हो गई। अरे बार बार होता है तो गलती नहीं कहते उसको, तुम लोगों का रोज का नाटक है। तुम लोग बीपीओ वाले एक्सेंट झाड़ झाड़ के अपने आप को क्या लंदन अमेरिका वाले समझने लगे हो क्या? हां, यहां पर वो सब नहीं चलेगा। कल से अगर कचरा खुले में दिखा ना तो तुम लोग सोसाइटी में नहीं दिखोगे। कृति के साथ जो हुआ, क्या वो उसके पिता किशोर साटम के व्यवहार और बात बात पर लोगों पर गुस्सा करने का नतीजा था? क्या कोई ऐसा था जो इस क्राइम के जरिए किशोर को चोट पहुंचाना चाहता था? ध्रुव ये ले, रख, काम आएंगे तेरे। और सुन, से ड्रग्स मत लेना, छोड़ दे भाई ये सब, और बात कर देगा। अच्छा खासा परिवार है तेरा, माना कि चिल्लाते होंगे और झगड़ा भी होता होगा, लेकिन माँ बाप हैं वो तेरे, शुक्र मना कि तेरे साथ हैं वो। कल शाम को हुए, अभी भी फोन पे है। ये डॉल कितने की है? 50 रुपए की। नहीं है, थोड़ी और चाह लीजिए ना। हाँ। ए सुनील, इधर आ। कितनी बार बोला तेरे को? ये लड़की लोग के साथ नहीं खेलने का? और किसके साथ खेलूं? और आपको क्या मतलब? फ्रेंड्स हैं हम, साथ में खेलते हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये चुप कर कृति, तेरा बाप काफी है बोलने के लिए, उसकी जगह मत ले। मेरे पापा को कुछ मत बोलो। तो गया नहीं अभी तक, चल निकल, दुकान के लिए चले जाऊं। मैं बस खेल ही तो रहा हूं कृति और रज्जू के साथ। निकल। मम्मी से झगड़ा करके आए हो ना, तो गुस्सा मुझ पर मत निकालो। कि
है, चुप कर। ऐसे तेरे बाप को एक दिन बहुत मारूंगा मैं, समझे? तो मेरे पापा को आने तो मैं बता दूंगी तुमने क्या बोला। मैं भी बता दूंगा कि ध्रुव भैया ने हंसे बोला मेरे को। अभी जा रहा हूँ राजेश, शायद आज रात फिर आऊं। अपने घर नहीं जाना चाहता यार। तुमने उसे अकेले जाने क्यों दिया पूजा? मैंने तुमसे कहा था कि मैं उसे सैटरडे को ले जाऊंगा। तुमने मारा है हमारी बच्ची को, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है उसके साथ। ऐसे क्यों बोल रहे हो किशोर? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि पूजा खुद कितने सदमे में है? उसे अकेले जाने क्यों दिया? उसे अकेले जाने क्यों दिया? धीरज रखो किशोर, धीरज रखो। किशोर जी, किसी ने कृति को किसी के साथ जाते हुए नहीं देखा, लेकिन ये बात तय है कि कोई उसे ले जरूर गया था, कोई ऐसा जिसे वो जानती थी, और इसीलिए बिना शोर शराबा किए चुपचाप उसके साथ चली गई। ये 15 रुपए, ये 10 की नोट, 5 का सिक्का, उसे भी किसी ने हाथ नहीं लगाया, और कृति की डॉल वो भी जैसी की तैसी वहीं पे थी। आपकी बच्ची के साथ बहुत दर्दनाक तरीके से रेप हुआ है किशोर जी, पर कुछ नहीं मिला, कॉन्डम यूज किया गया था, और ये काम किसी राह चलते पीडोफाइल या सेक्सुअल एडिक्ट ने किया, किसी ने जानबूझकर सोच समझकर आपकी बच्ची को टारगेट किया। ये काम किसी ऐसे शख्स का हो सकता है जिसके मन में आपके प्रति बहुत गुस्सा था, शायद उस गुस्से के ज्वालामुखी का शिकार हुई आपकी बच्ची, ताकि दर्द आपको पहुंचाया जा सके। आप सही बोल रहे हैं सर, कोई अगर उसके मन की ना सुने तो किशोर लोगों से चिढ़ जाता था, सोसाइटी के कमेटी मीटिंग में भी वो शुरू हो जाता था। तब तो बहुत सारे लोग गुस्सा हो गए किशोर जी से। लगभग सभी, किराएदार हो या मकान मालिक, सोसाइटी के वर्कर्स भी उससे चिढ़े बैठे होंगे, बस उसके बर्ताव की वजह से। प्रीति दुकान से डॉल लेकर निकली तो थी, लेकिन सोसाइटी तक पहुंची नहीं, कोई रास्ते में उसे बहला फुसला कर पास वाली खाली बिल्डिंग में ले गया और ये किया। देवेंद्र जी, जाने अनजाने में किशोर जी ने किसी को बहुत गहरी चोट पहुंचाई होगी। भूपेन चौरसिया हो सकता है सर, हमारा पहला सिक्योरिटी गार्ड, प्रशांत से पहले वो था यहाँ। अभी कहाँ? पता नहीं सर, लेकिन सोसाइटी की फाइल में उसके घर का एड्रेस मिल सकता है। और एक बात सर, छोटे बच्चों को लेकर थोड़ा विकृत टाइप का था ये भूपेन। अंकल जादू करेंगे, जादू से ये चॉकलेट आएगी बाहर। ए ये नीलम बेटा, जा घरी जा, जा जा जा, बाहर मत घूम, आई कड़े जा। क्या कर रहा था भाई साले? हाँ कुछ नहीं साहब, बच्चे चॉकलेट नहीं खोल पा रही थी तो उसे खोल के दे रहा था। चॉकलेट खोल के दे रहा था अपनी गोदी पे बैठा? मैंने क्या किया साहब? हमें लगा कि भूपेन की आदत थी बच्चों के साथ ऐसा करने की, जब प्रशांत ने मामला कमेटी के सामने रखा तो हमने उसे तुरंत भगा दिया। ये इससे पहले भी कोई बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव किया उसने? किया ही होगा, लेकिन उस दिन तो पकड़ा गया ना। कहाँ मिलेगा ये भूपेन? ये भूपेन चौरसिया यहीं रहता है? हाँ मैडम, यहीं रहता है। कहाँ गया आपको कुछ पता? नहीं मैडम, वो तो नहीं पता है। हाँ पर कल रात को मैंने उससे देखा था कि जा रहा था, उसके हाथ में बैग था मैडम। ये रही भूपेन चौरसिया की फाइल और ये उसकी फोटो। एक स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट है सर, रात को घर से भागा भी है, हम पता लगा रहे हैं कि वो कहाँ जा सकता है। सिर्फ पता मत लगाओ सुरेश, पकड़ो उसे जल्दी से जल्दी। उसके अलावा कोई है लिस्ट में? नहीं सर, अभी तक तो कोई नहीं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जारी है। जल्दी पेश करो उसे और फोटो भेजो उसकी अभी, मुझे 1 घंटे में प्रेस के सामने जाना है। पर सर अभी कुछ कन्फर्म नहीं है, सिर्फ सस्पेक्ट है वो। तुम फोटो भेज दो सुरेश, मीडिया वालों का शोर नहीं सुनाई दे रहा तुम्हें? प्रेस के सामने कोई चेहरा तो रखना होगा ना, वरना उनके शोर से कितने कान खड़े हो जाएंगे तुम जानते हो। जी सर। सर ये गार्ड भूपेन चौरसिया कल रात ही निकला है, ज्यादा दूर नहीं गया होगा, जौनपुर है इसका गांव, वहां जाने वाली कल रात की सारी ट्रेन्स में सर्च जारी है। सर जल्दी पकड़ो इस भूपेन को। यस सर।
पुलिस ने पूरी शिद्दत से सोसाइटी के पुराने गार्ड भूपेन चौरसिया की तलाश शुरू की। मुंबई से उत्तर प्रदेश जाने वाली सभी ट्रेन्स में भूपेन को ढूंढने की खबर पहुंचा दी गई। इलाके की हर दीवार पर भूपेन का चेहरा था। पुलिस ने उसके लिए हर संभव जगह पर जाल बिछा दिया था। राजेश, मुझे ध्रुव कुछ ठीक नहीं लगता यार। यार वो थोड़ा परेशान है मयूर। तुझे उसमें अपना अतीत दिखाई दे रहा है क्या? तू खुद को देख रहा है ना उसमें? यार मयूर, मैं तुझे कैसे समझाऊं यार? मुझे ध्रुव ना थोड़ा परेशान लगता है। तेरी मदद उसे और परेशान करेगी। तेरी मदद के पैसे से वो ड्रग्स लेता है, इतना तो तुझे भी समझ में आता होगा। तू ही बता, ड्रग्स ने किसकी परेशानी दूर की है जो उसकी करेगी? यार मुझे नहीं पता यार मयूर। ऐसे ना उसकी परेशानी खत्म होगी, ना तेरा दुख कम होगा। तुझे लगता है ये दान धर्म करने से तुझे उस दर्द से आराम मिल जाएगा जो तेरे माँ बाप ने और पायल ने तुझे दिए? हाथ कैसे लगाया तुमने? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? जा जा, निकल जा इस घर से। चली जाऊंगी, लेकिन तुमसे बदला लेने के बाद जैसे तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, मैं भी नहीं छोड़ूंगी। तेरी जैसी अड़ियल के साथ शादी करके मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। तो किसी और के साथ करने वाले थे? जाओ, चले जाओ, उसी के साथ जहाँ जाना हो जाओ, ये घर छोड़कर। ये घर मेरा है, समझी? जाएगी तू यहाँ से। ऐसे ही चली जाऊँ? याद रखना, अगर मैं गई तो ये घर भी नहीं बचेगा। इतनी आसानी से पीछा नहीं छूटेगा मुझसे। यार मयूर, यार आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तू संभाल लेना। कहाँ जा रहा है तू? फिर से उस पायल के पीछे? नहीं यार, कृति के घर। कृति नहीं रही है। ये कैसे हुआ? गार्ड भूपेन चौरसिया कभी वसई से बाहर गया ही नहीं। वो अपने घर से कुछ ही दूर एक लॉज रूम में छुपा हुआ था। भूपेन चौरसिया, हम जानते हैं तुम अंदर हो। भागने का कोई रास्ता नहीं है, खिड़की से तो सोचना भी मत, बाहर भी पुलिस है। भागने की कोशिश भी की तो गोली मार देंगे। खोल। कृति नहीं रह पाए, किसी ने उसका रेप करके मार दिया उसको। मुझे क्यों बता रहे हो राजेश? मुझे नहीं सुनना कुछ भी। तुम समझते क्यों नहीं हो? हमारे बीच जो भी था वो सब खत्म हो चुका है। मुझे फिर से इन सब चीजों में नहीं पड़ना। मैं तुम्हें ब्लॉक कर रही हूँ। ये लीजिए गर्मा गर्म पॉपकॉर्न। मैं अपना टैक्स लूँ। भैया आप कोई भी गाड़ी ठीक कर सकते हो? हाँ, कोई भी गाड़ी, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कोई सी भी मशीन ठीक कर सकता हूँ मैं। तो मेरी 2-3 डॉल्स ठीक कर दोगे? टूट गई है वो। बिल्कुल मैडम, आपकी सारी डॉल्स ठीक कर देंगे। तो फिर पक्का? एकदम पक्का। और अगर हम नई डॉल ले ले तो? वाह, दिला दो ना, मेरे पास एक सेट कम है, अभी एक नई वाली आई है। तो ठीक है, हम कल ही चलते हैं, मैं कल ही दिला देता हूँ आपको। यस। पायल, तुम्हें बच्चे पसंद है ना? हाँ, लेकिन अभी सोचना भी मत। अरे अरे, क्या मतलब? अभी मैं 22 साल की हूँ, कम से कम 5 साल तो बिल्कुल भी नहीं, उसके बाद फिर देखेंगे क्या करना है। तुम इतना टाइम लोगी? फिर तो मुझे 2-3 चाहिए। 3? बिल्कुल भी नहीं। खिलाओगे क्या उन्हें और पढ़ाओगे कैसे? महंगाई देखिए कितनी है। तुम उन सब की चिंता मत करो ना, मैं कमाऊंगा भी तो। देखो तुम ये सब टेंशन छोड़ो, हम अच्छे से पाल लेंगे उन्हें। पायल, मुझे ना कृति जैसी बेटी चाहिए। कितनी प्यारी है ना वो। किशोर भाई जैसे भी हैं, चिड़चिड़े खड़ूस, मगर पूजा भाभी और वो एक दूसरे के साथ कितने खुश हैं। जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, बल्कि तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन अगर तुम बार बार इन चीजों को याद करते रहोगे, अपने पेरेंट्स की बनाई हुई दुनिया से तौलते रहोगे, वो तो गलत है ना? पता है, एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था
जब मैं रोता नहीं था, दारा साहिबा नहीं रहता था। जरूरी तो नहीं ना राजेश, जो पहले हुआ वो आगे भी हो। तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है और फिर मैं भी तो हूं ना तुम्हारे साथ। पहले क्या हुआ इन बातों को सोचकर खुद को तकलीफ देने से बेहतर है हम आगे की सोचें। नमस्ते किशोर भाई। मुझे आज ही पता लगा किशोर भाई, बहुत बुरा लगा। बदला लिया है मुझसे किसी ने, मेरा गुस्सा मेरी बच्ची पे निकाला। फोन क्यों कर रहा है राजेश? कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, पर तुझे क्या चाहिए अब? छह महीने पहले सोसाइटी में जो मेरे साथ हुआ था, उसके बाद मैंने पास वाली सोसाइटी में काम पकड़ लिया था। मैंने कुछ नहीं किया साहब। तो भागा क्यों? मैं डर गया था साहब। उस दिन किशोर साहब से जो मेरा झगड़ा हुआ था, मुझे लगा सोसाइटी में सब लोग मुझ पे शक करेंगे, इसलिए भाग गया था साहब। तू भागा इसलिए क्योंकि तूने किया है और तू जानता था कि अंकुश तक पहुंच जाएंगे। साहब मैंने कुछ भी नहीं किया साहब। मान ले भूपेन, वरना मैं चार गवाह खड़े कर सकता हूँ जिन्होंने तुझे कृति के साथ देखा था। साहब कैसे मान लूं मैं, जब मैंने कुछ किया ही नहीं और सब बच्ची थी वो, जो आप इंसान मुझ पर लगा रहे उसे सोच के भी दिन आती है। नया क्या तेरे लिए? सोसाइटी की छोटी बच्चियों को गोद में बिठा के क्या करता था तू? सब कसम खा के कह रहा हूँ साहब, उस दिन किशोर साहब को बहुत बड़ी गलती हो गई थी साहब। साहब वैसे भी बच्ची को खिला रहा था साहब। कृति को भी खेलने के बहाने ले गया था ना? साहब मैं कभी किसी को खुद से नहीं बुलाता साहब। वो सोसाइटी वाली बच्ची नीलम खुद चल के मेरे पास आई थी चॉकलेट लेकर, पन्नी नहीं खोल पा रही थी। मैं भूल गया था कि मैं गार्ड गरीब हूँ, मेरा किसी बच्ची को प्यार से छूना इस दुनिया को रास नहीं आएगा। साहब आप बताइए, आपने कभी किसी बच्ची को प्यार से देखकर हाथ फेरा होगा तो क्या आपकी भी नीयत खराब है? नहीं ना साहब, ये सारे बहुत अजीब लोग हैं। पुलिस हो या गार्ड, जो इनकी रखवाली करता है, इनके लिए जागता है, उन्हीं से दूर भागते हैं, उन्हीं पे शक करते हैं। साहब मैं छह साल की बच्ची का बाप हूँ, मेरा परिवार जौनपुर में रहता है, इतनी आमदनी नहीं है कि मैं उन्हें यहाँ रख सकूँ साहब। इसलिए इन बच्चों को मैं खिला लेता था और इन बच्चियों में मैं अपनी बिटिया को देखता था साहब। अब इन्हें क्या समझा, क्या कहे इन्हें साहब, और मैं क्या सफाई दूँ अपनी साहब? भूपेन चौरसिया के नाम पर कोई कंप्लेन नहीं है सर, कोई हिस्ट्री नहीं है। उसकी नहीं सोसाइटी में पूछा? सब क्लीन है सर, उल्टा वो तो उसके काम से बहुत खुश है, भरोसा करते हैं उसे। हमने भूपेन के घर के आस पड़ोस में भी पूछताछ की, उसकी नेबर गंगा का भी यही कहना है कि अच्छा आदमी है। तो क्या समझे, डर के भागा था? हो सकता है सर। मतलब कोई और है जिसने उसका गुस्सा किशोर के बच्चे पर निकाला? शायद कोई जो हमारे सामने ही है पर अभी तक हमें नजर नहीं आया। कोई अनजान आदमी तो नहीं है सर, ना ही किसी राह चलते सरफेरे का काम लगता है। ना बच्ची का चेहरा बिगाड़ा गया, ना उसके कपड़े इधर उधर हुए। कहाँ गया था तू? कुछ पूछ रहा हूं मैं। जिधर आपके झिक झिक ना सुनाई दे। क्या बोला तू? छोड़ दो उसे उसके हाल पर, मत बात करो, पलट कर जवाब देगा वो। हाँ मत बात करो मुझसे, और कोई मुझ पे हाथ नहीं उठाएगा, अब बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। बच्चा नहीं हूं, नहीं तो क्या पलट के मारेगा मेरे को, बाप पे हाथ उठाएगा? किशोर आज दुष्यंत का बेटा ध्रुव दिखा मुझे, उस दिन के बाद आज दिखा है, पूरे तीन दिन नहीं था वो सोसाइटी में। तो सही सुना था तेरे बारे में, नशेड़ी है तू। अरे अंकल अपना काम करो ना, आपके पैसे भेज रहा हूं क्या?
साली यहीं से फेंक दूंगा नीचे। चल उठ, चल तू दुष्यंत के पास। आज तुझे बताता हूँ किसके पैसे पे जी रहा है तू। अरे क्यों टांगा डालो मेरी लाइफ में? आपके घर पे करता हूँ क्या? छोड़िए ना उसे। शीला तू बीच में मत आ। अबे तू चमड़े की बेल्ट लेकर अंदर से। और ये नशेड़ी मुझे तू तड़ाक करके बात कर रहा था। यानी बोल तो कैसा, तुम्हारे पैसे पे जी रहा हूँ क्या? अंकल अपने घर जाओ ना, तो घर पे झगड़ा क्यों लगाते हो? देख ले दुष्यंत, अभी भी टाइम है, वरना ये नशेड़ी पूरे सोसाइटी को नशेड़ी बना देगा और तुम्हारे ही घर से नशा बेचेगा ये। और को तो नहीं, हमारे घर वालों को जरूर बना दूंगा मैं। चमड़े का बेल्ट ले क्या? कृति के पिता किशोर साटम ने एक 21 साल के लड़के को सोसाइटी के टेरेस पर ड्रग्स लेते हुए पकड़ा था। इसके अलावा हाल ही में हुई ऐसी बहुत सी घटनाएं थीं जो इस बात की ओर इशारा कर रही थीं कि कृति के साथ जो हुआ था वो उसके पिता किशोर साटम को दर्द देने के लिए किया गया था। डरो मत बेटा, हम है ना, बताओ क्या हुआ था। मम्मी को तो बता देता। आपको पता था फिर भी आपने सबसे छुपाया। शीला क्या बताया था इसने, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अरे कुछ नहीं, बच्चा है कुछ भी बोलेगा। मम्मी को क्या बताया था सुनील, क्या किया था ध्रुव भैया ने? बेटा ध्रुव भैया ने गुस्से में आके मुझे मारा था और कृति ने जब मना किया तो उससे बोले कि तुझे और तेरे बाप को भी मारूंगा। ए चुप कर कृति, तेरे बाप को एक दिन बहुत मारूंगा मैं, समझी तू? मेरे पापा को आने तो मैं बता दूंगी तुमने क्या बोला। ध्रुव भैया मुझे और कृति को कभी एक साथ खेले नहीं देते, बहुत चिढ़ते हैं उससे। ये बात आपको छिपानी नहीं चाहिए थी। किशोर बच्चा है ये, इसकी बात पे क्या जाना, और ध्रुव भी तो बच्चा ही है अभी। बच्चा नहीं है वो, 21 साल का है। सुनील ने बताया फिर भी इस बात को आप लोगों ने छुपाया। गलत आदत लग गई थी उसे, पर अब वो सुधर गया है। उसका नाम मत घसीटिए इसमें, वो ऐसी गंदी हरकत नहीं कर सकता। किशोर मैंने तुम्हारे सामने कितना मारा उसे, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता, पर करेगा ना तो मैं खुद जान ले लूंगा उसके। 50 रुपए भी नहीं तुम लोगों के पास, अगर तुम लोग से नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा? मुझे पता है तुझे क्यों चाहिए, छोड़ दे अपनी आदत ध्रुव, क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है? जिंदगी बर्बाद तो तुम लोगों ने की है, क्या किया है मेरे लिए अभी तक? 2 जुलाई 2019 कृति के साथ हुए दर्दनाक और हिंसक हादसे से एक दिन पहले ध्रुव की अपनी माँ से पैसों को लेकर लड़ाई हुई थी। पैसा नहीं मिलने पर वो घर छोड़कर चला गया था। ध्रुव की सुनील और कृति से नोकझोंक भी उसी दिन हुई थी। राजेश ध्रुव को पुलिस ने पकड़ लिया। मैंने कहा था ना वो ठीक नहीं है, वो कृति जिसकी फोटो दिखाई थी तूने, सब बोल रहे हैं कि ध्रुव ने किया था। हाँ गुस्सा निकाला था मैंने, तो क्या हुआ, अपने भाई को भी तो डांटा था। मुझे कृति पर रोज गुस्सा आता था, जब भी उसे अपने भाई के आसपास देखता और नहीं भी देखता तो मुझे उसमें किशोर दिखाई देता था। अब सुकून मिल गया तुझे अपना गुस्सा उस पर उतर कर? हाँ मिल गया। तूने ऐसा क्यों किया ध्रुव, वो सिर्फ साथ की थी, उसे तो भला बुरा भी समझ में नहीं आया होगा। क्यों ध्रुव क्यों, सिर्फ उसके बाप पर गुस्सा था इसलिए? मुझे उस बच्ची से कोई मतलब नहीं था, मैं तो सिर्फ किशोर से बदला लेना चाहता था। मैं अपने भाई को उसके बेटे के साथ नहीं देख सकता था, बेवजह पीछे पड़ गया था मेरे। मैं जो कर रहा था टेरिस के कोने में कर रहा था, उसे क्या मिला मेरे घर जाकर? ये सब करने के बाद तूने कॉन्डम कहां पे फेंका? कॉन्डम, कौन सा कॉन्डम? जिसका यूज करके तूने रेप किया था कृति का। ये क्या बोल रहे हो आप, मैं ऐसा क्यों करूंगा? ए धूफ, सीधे सीधे पूछ रहा हूं, सीधे सीधे जवाब दे, वरना जानवरों की तरह बर्ताव करना मुझे आता है। मारोगे आप जैसे मेरा बाप मारता था, तो मारो, अब कुछ नहीं होता मुझे। खुद तो क्लर्क बन गए और मेरे लिए इंजीनियर का सपना देख रहे, खुद तो पढ़े नहीं और मुझे मार मार कर दिन रात पढ़ाना चाहते। बहुत मार खाई है, आपको लगता है मार खाने से मैं मान जाऊंगा, तो मारो मुझे। कॉन्डम कहाँ फेंका तू? अरे दिमाग खराब है आपका, मैंने नहीं किया उसके साथ। तूने बताया ना किशोर से बदला लेना चाहता था तू। हाँ लेना था बदला, सबकी जिंदगी में जहर घोल रखा था उसने, खुद को प्रिंसिपल समझता है, लेकिन उसके लिए कृति के साथ मैंने कुछ नहीं किया। वैसे भी वो जानती थी कि मैं चिढ़ता हूँ उससे, तो चुपचाप वैसे ही आ जाती मेरे साथ। हाँ मैं चिढ़ता था उससे किशोर का गुस्सा निकालने के लिए, सबकी लाइफ खराब कर रखी है उसने। बेचारा राजेश शांति से रह रहा था, मुश्किल से लाइफ बन रही थी उसकी, उसने सब बर्बाद कर दिया। कौन राजेश?
क्या फर्क पड़ता है? और कितने नाम गिनाऊं आपको? बेचारा पायल के साथ रह रहा था, क्या फर्क पड़ रहा था किसी को? क्या जरूरत थी उसकी लाइफ में झांकने की? और वो बीटर कितना पानी वेस्ट करता है, क्या फर्क पड़ता है किशोर? मैं ड्रग्स लेता हूं अपने पैसे से, किशोर के पैसे से तो नहीं लेता। कौन है राजेश? राजेश यादव पहले यहां रहता था। हाँ, एक लड़की भी थी उसके साथ में, पायल नाम था। पायल? हाँ हाँ याद आया, आप उस राजेश यादव की बात कर रहे हो। जी, ये किशोर जी का राजेश के साथ क्या हुआ था? राजेश यादव जी। मैडम चलो, तुमसे कुछ पूछना है। सब ये तो हमारी सोसाइटी में किराए पे रहता था। हे भगवान, मुझे अब याद आ रहा है, सब इसी को तो मैंने देखा था हमारी सोसाइटी के आसपास घूमते हुए। दो तीन बार दिखा था गेट के बाहर, पता नहीं क्या कर रहा था। सर, ये राजीव जादव तो कब से चुपचाप बैठा है, कुछ नहीं बोल रहा। मैंने कुछ नहीं किया, क्यों लेकर आए, कुछ भी नहीं। ये उसके रिकॉर्ड्स, जुवेनाइल होम में भी रह चुका है। सर, इसके नाम पर तो अलग अलग केसेस हैं, चोरी, रॉबरी। माँ बाप के अलग होने के बाद घर से भाग गया, 14 साल का था। फिर चोरी चकारी शुरू की, कुछ 4 साल पहले एनजीओ के कॉन्टेक्ट में आया। उसके बाद भी कोई क्राइम? सर नहीं, उसके बाद एकदम नॉर्मल लाइफ। अभी अपने दोस्त के साथ मिलकर गैरेज चला रहा। 8 महीने पहले तक तुम उसी सोसाइटी में थे, पायल गोडबोले के साथ। एविडेंस हमारे पास, 3 जुलाई की शाम को तुम सोसाइटी के बाहर दिखे थे। क्यों? उस 7 साल की मासूम बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था राजेश? उसकी कोई गलती नहीं थी, वो तो बेकसूर थी। अरे राजेश भैया, आप कैसे हैं? अरे कृति बेटा, मैं एकदम ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ये क्या लेके आए? ये डॉल लेने गई थी, देखो कितनी अच्छी है ना। ये तो बहुत सुंदर है, एकदम आपके जैसे। पायल दीदी कहाँ है? कितने दिन हो गए, आप लोग कभी मिलने ही नहीं आए। अरे तो मैं वही तो करने आया हूँ, पायल दीदी ने भेजा मुझे आपके पास, वो वेट कर रही है आपका, चलोगी? हाँ, मुझे पायल दीदी से मिलना है। चलो। ये राजेश ठीक ठाक लड़का है, कल शाम को मिला था, थोड़ी ड्रिंक्स ली हमने साथ में। अच्छा लड़का है वो। मैंने बोला उसको जल्दी से बच्चा कर लो, पायल के साथ फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन पहले दोनों को शादी तो कर लेने दो। शादी तो कर लेने दो मतलब क्या बोल रही हो तुम? अरे बिना शादी के बच्चा करेंगे तो लोग क्या बोलेंगे? तो क्या वो दोनों शादीशुदा नहीं है? हाँ पूजा, अभी तो नहीं हुई शादी, लेकिन 1-2 साल में कर लेंगे ऐसा बोल रहे थे। और तुम ये सब कब से जानती हो? बहुत पहले से। पर तुम क्यों उनकी लाइफ में इतनी दिलचस्पी ले रहे हो? अगए, मैरिज सर्टिफिकेट दिया है सोसाइटी को उन लोगों ने, उनके मकान मालिक प्रताप ने भी कहा कि उनकी शादी हो गई है, वरना कमिटी रहने थोड़ी ना देती उन्हें। म्हणूनच सांगितलं असेल ना, इसीलिए बोला होगा कमिटी में। तुला कळतंय का? सिर्फ बोला नहीं है, सर्टिफिकेट दिया है उन्होंने। जाओ दिया ना, अच्छे लोग है वो लोग। तो क्या वो हमको धोखा देंगे? रियली सॉरी देवेंद्र भाई, किशोर भाई सच में हम लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन हम लोगों को कोई फ्लैट नहीं मिल रहा था। तो आ गए यहाँ पर गंदगी फैलाने को, हाँ? ये जाली सर्टिफिकेट बनाया क्या तूने? लेकिन हम लोग 1-2 साल में शादी कर लेंगे। प्रताप शिंदे बोल रहे, उनको भी नहीं बताया ये सब? वो उनको भी नहीं बताया था हमने। क्या? अरे पायल, इसके घर वालों का कोई आता पता है नहीं, तुम्हारे घर वालों को मालूम है क्या? नंबर दो उनका, मैं ही उनको बताता हूँ क्या कर रही हो तुम यहाँ पर। किशोर भाई, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए ना, प्लीज प्लीज।
किशोर भाई, किसी को आज तक कोई परेशानी नहीं हुई हमारे रहने से। हमारी एक छोटी सी लाइफ है, शांति से रह रहे हैं हम लोग यहाँ पर। हमने कोई क्राइम नहीं किया है। कुणाला महित क्राइम किया है कि नहीं, झूठ बोल के इतने दिनों से रह रहे हैं यहाँ पर, पता नहीं क्या क्या चल रहा है यहाँ। राजेश, ये फेक मैरिज सर्टिफिकेट बनाना क्राइम है, ऊपर से हमें जो चीट किया वो अलग, फ्रॉड है ये फ्रॉड। देवेंद्र भाई समझो ना, हमने बहुत कोशिश की, हमें फ्लैट नहीं मिला, वरना हम ऐसा क्यों करते। अरे ऐसे बिना शादी के काय को चाहिए फ्लैट तुमको? और पता नहीं क्या क्या चल रहा था यहाँ पर, कोई धंधा वंदा तो नहीं चालू किया? ये ज्यादा हो रहा है किशोर भाई, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? पिछले 2 साल से मैं और पायल साथ में, और 2 साल में हमारा शादी करने का प्लान भी है। शादी करने का प्लान है? अरे बोरिया बिस्तरा बांध लो और निकलो यहाँ से, यहाँ फैमिली रहते हैं, ये धंधा कहीं और जाके चलाओ। उस दिन पायल के बारे में जो कहा गया वो ठीक नहीं था। उस इंसिडेंट ने पायल को तोड़ दिया। गलती कोई भी करे, लेकिन अंजाम हमेशा मैंने भुगता है। सोसाइटी के उस इंसिडेंट के बाद पायल ने मुझे छोड़ दिया, इसमें मेरी क्या गलती थी? मेरे माँ बाप ने अपनी नई लाइफ शुरू कर दी, पीछे अपने बच्चे को भूल गए। उनके जाने के बाद बस एक पायल ही थी जिसने मुझे संभाला हुआ था। मैं एक इज्जत की जिंदगी जीना चाहता था सर, लेकिन किशोर सतम ने उसने सब बर्बाद कर दी। प्रीति बच्ची थी सर, मैं उसके साथ ये सब नहीं करना चाहता था। लेकिन मैं उस किशोर सतम को सबक सिखाना चाहता था, एक ऐसा सबक जिसे वो कभी ना भूल पाए, जैसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। और ऐसा करने से क्या मिल गया तुझे? तेरे माँ बाप मिले, पायल वापस आई, कुछ तो सोचना चाहिए था। उस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम्हारी वजह से मेरी कृति की मौत हुई है, अब समझ में आया तुम्हें दूसरों की जिंदगी में दखल देने का क्या नतीजा होता है? क्यों किया तुमने ऐसा? और अब किसकी जान लोगे? राजेश और पायल की जिंदगी में घुसने की क्या जरूरत थी तुम्हें? उन लोगों की जिंदगी के साथ तुमने मेरी जिंदगी भी बर्बाद कर दी किशोर। मेरी बच्ची चली गई। किशोर तुमने मारा मेरी कृति को, हाँ तुमने मारा मेरी कृति को। मेरी कृति तुम्हारी वजह से चली गई। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतना गिर जाओगे राजेश। तुम आगे क्यों नहीं बढ़े? तुम्हारे पेरेंट्स के साथ तुम्हारी जिंदगी, मेरे साथ तुम्हारी जिंदगी खत्म थी। तुम कुछ भूलकर भी आगे नहीं बढ़ सके, हमेशा वहीं अटके रहे। क्यों? क्योंकि तुम इन्हीं दुखों और मुसीबतों को अपना घर बना चुके हो, कभी इनसे बाहर निकलना ही नहीं चाहा तुमने। और ये जो तुमने कृति के साथ किया है ना, अब जियो तुम जिंदगी भर उसी में। क्या गलती थी उसकी? हाँ वो बेचारी बच्ची थी, तुम्हें बहुत मानती थी वो। ये क्या कर दिया तुमने राजेश, ये क्या कर दिया? चार्जशीट तैयार है सर। बहुत मुश्किल होती है ऐसे लोगों को समझने में, कहां जाती होगी उनकी इंसानियत। होता क्या होगा कि छोटी बच्ची के साथ ऐसा कुछ कर जाते। क्राइम की फाइलों में दबे ऐसे केसेस को पीडोफीलिया कहा जाता है। यह एक तरह की विकृत मानसिकता है, इसमें इंसान बच्चों के लिए अपनी विकृत इच्छाओं पर काबू नहीं रख पाता है। और इस तरह के केसेस में यह भी देखा गया है कि अपराधी के मन में पीड़ित परिवार के लिए एक गुस्सा, एक द्वेष होता है, जैसा कि इस केस में हुआ। बदकिस्मती से यह द्वेष परिवार के बच्चों पर उतरता है, क्योंकि अपराधी के लिए वो सबसे आसान और कमजोर शिकार होते हैं। इस तरह के केसेस में अक्सर अपराधी पीड़ित का परिचित होता है और वो कई बार पूरे केस के दौरान उनके आसपास ही बना रहता है। ये समझ पाना लगभग असंभव है कि किसके मन में क्या पनप रहा है और कौन बच्चों से बदला ले सकता है।
वहीं इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि किसी दूसरे की जिंदगी में दखल देने से, सामाजिक तौर पर कुछ बोलने से या उनके बारे में किसी तरह की राय रखने से उस इंसान को दुख पहुंचता है तो ये उस इंसान को बदला लेने के लिए उत्तेजित कर सकता है। ऐसे तथ्यों से सतर्क रहना बहुत जरूरी है। आज के दौर में चाहे वो सोशल मीडिया पर हो या फिर व्यवहारिक जीवन में, अति संवेदनशीलता साफ झलकती है जो किसी अंजाम की परवाह नहीं करती। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी दें और अच्छा और सुरक्षित भविष्य दें। और आलोचनात्मक होने से पहले सोचिए और सतर्क रहिए। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।